दोस्तों मैं रोशन जायसवाल, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। इस वक्त बैरिया विधानसभा क्षेत्र का ये जगह है जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस मैदान में, बैरिया के इस मैदान में हजारों की भीड़ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में गुंडा राज, आतंकवाद खत्म हो चुका है, लोग स्वतंत्र भरी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के यदि उम्मीदवार जीतकर सदन में जाता है तो बलिया का और तेजी से विकास होगा। उन्होंने नीरज शेखर के लिए यहाँ की जनता से निवेदन भी किया कि आने वाले चुनाव के दिन वह कमल के फूल पर बटन दबाकर नीरज शेखर को विजयी बनाए, जैसा कि उन्होंने कहा। कड़ी सुरक्षा के बीच आज उनकी सभा हो रही है, जिस सभा में यहाँ तमाम अफसर, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त, पूर्व सांसद भरत सिंह, तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, आलम सौ शुक्ला, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष संजय यादव भी इस कार्यक्रम में देखे जा रहे हैं। जिस कार्यक्रम को लेकर आज योगी आदित्यनाथ का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं हेलीपैड स्तर पर कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के जवान को पहरा है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर यानी हेलीपैड स्तर पर स्वयं यहाँ मौजूद है पुलिस कप्तान। दोस्तों ये कार्यक्रम आज चूंकि जिले में बात करें सलेमपुर और लोकसभा, सलेमपुर लोकसभा और बलिया लोकसभा क्षेत्र में दोनों लोकसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम चला, जो आप देख सकते हैं बैरिया में। तो अभी उनकी सभा चल रही है, स्वयं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम अगले बार भी आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल का।